नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पालघर जिले के केलवा माहिम डैम से पानी के रिसाव ने बढ़ाई 17 गांवों की चिंता। जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ को तैनात करते हुए सतर्क रहने की दी सलाह। पालघर जिले के बड़े बांधों में से एक बांध केलवा माहिम डैम, जो कि जांजवली गांव में बना है, से शनिवार को अलग अलग जगह पर जल रिसाव होते देखा गया, जिसके बाद आसपास के 17 गांवों के लोगों में भय पैदा हो गया। दरअसल शनिवार दोपहर के समय जब इस जल रिसाव की जानकारी लोगों को लगी, तब तुरंत ही जिला प्रशासन को सूचित किया गया एवं शाम होने से पहले जिलाधिकारी समेत बड़े अधिकारी एवं इंजीनियर ने केलवा माहिम डैम का दौरा कर हालात का जायजा लिया। जिलाधिकारी डॉक्टर मणि गुरसल ने बिना समय गवाए कोई अनहोनी घटना नहीं घटित हो इस हेतु राहत कार्य शुरू कर दिया। एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की एक टीम व स्थानीय पुलिस वहां तैनात कर दी गई। वहीं डैम से लगे 17 गांव के लोगों को सावधानी बरतने का आह्वान करते हुए विकट हालत होने की स्थिति में गांव को खाली कर सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि सन 1981 में बनाए गए इस डैम के आसपास बड़े बड़े मिट्टी के पहाड़ है, जिस कारण डैम के लीकेज से खतरा अधिक बढ़ने की आशंका विशेषज्ञ द्वारा जताई जा रही है। हालांकि फिलहाल सभी गांव सुरक्षित है, वहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है एवं जिला जल संपदा विभाग ने रविवार सुबह से युद्ध स्तर पर डैम के लीकेज को बंद किए जाने 5 जेसीबी, 8 टीपर एवं 25 मजदूरों के साथ कार्य शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। खालती जिरपतच फुटना।